नमस्कार, स्वागत है आपका आजाद एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में। मैं शिवम दीक्षित आज गन्ने की खेती पर चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गन्ने का पौधा, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो गन्ने का वानस्पतिक नाम साइकेरम ऑफिसिनेरम होता है। साइकेरम ऑफिसिनेरम, जिस गन्ने का वानस्पतिक नाम होता है उसको नोबल कैन भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नोबल कैन। जिस गन्ने का वैज्ञानिक नाम साइकेरम ऑफिसिनेरम होता है, जो गन्ना मुख्यतः उगाया जाता है, कल्टीवेटेड गन्ने की हम बात कर रहे हैं, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइकेरम ऑफिसिनेरम। नोबलाइजेशन ऑफ कैन, क्योंकि नोबल कैन है तो किसी ने इसका नोबलाइजेशन किया होगा, तो नोबलाइजेशन ऑफ कैन टीवी वेंकट रमन ने किया था। आप लोगों को याद रखना है, वेंकट रमन किसने किया था? नोबलाइजेशन ऑफ कैन किसने किया? टीवी वेंकट रमन। टीवी वेंकट रमन ने नोबलाइजेशन ऑफ कैन किसने दिया? टीवी वेंकट रमन ने। ये घास कुल का पौधा है, एक इंटरमीडिएट टाइप का प्लांट होता है, घास कुल का पौधा है, जिसका जन्म स्थान ओरिजिन प्लेस न्यू गिनिया या न्यू गिनी भी कहीं कहीं दिखा मिलता है। न्यू गिनी जो है आप लोगों के लिए नया नाम लग रहा होगा। न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। लेकिन आपको केवल इतना याद रखना है कि इसका जन्म स्थान क्या है? न्यू गिनी। किस गन्ने की हम बात कर रहे हैं? साइकेरम ऑफिसिनेरम, यानी नोबल कैन गन्ने की बात कर रहे हैं। अब हम गन्ने को पढ़ने से पहले गन्ने के पौधे के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम गन्ने की खेती पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले जानेंगे गन्ने का पौधा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि गन्ने की जड़, यानी कि रूट है, ये गन्ने की जड़ है। उसके बाद ये सहायक जड़े आप लोगों ने देखा होगा, ये मुख्यतः गन्ने के साथ साथ मक्के के पौधे में भी पाई जाती है, ये सहायक जड़े। उसके बाद में ये पत्तियां, गन्ने की पत्तियां जो होती हैं वो अल्टरनेट फॉर्म में होती हैं। आप देख रहे हैं एक इधर है, उसके बाद इधर नहीं, जस्ट विपरीत नहीं है, अल्टरनेट फॉर्म में है, अपोजिट है बट अल्टरनेट फॉर्म में, मतलब एक इधर से निकली है फिर अगले नोट से निकली, देखिए इधर से निकली, तो अल्टरनेट फॉर्म में गन्ने की पत्तियां होती हैं। और इन्हीं पत्तियों के नीचे से, ये यहां से किनारे से ये जो ग्रोथ रिंग होता है, यहीं से आंख निकलती है, जो नोट होता है वहीं से आंख निकलती है, जिसको बड कहते हैं, वो गन्ने की यहां से निकलती है। अब ये गन्ने की ये नोड हो गए, ये इंटरनोड। अब इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, इंटर माने होता है बिटवीन। तो जब एक ये नोड हो गया और एक नोड हो गया ये, तो इसके इन दो नोड्स के बीच में जो जगह होगी उसको इंटरनोड ही तो कहा जाएगा। तो ये इंटरनोड है और ये नोड है, ये नोड जो है यहीं पर ग्रोथ रिंग होती है, वहीं से बड निकलती है, जिसको आंख कहते हैं, जो बुआई के काम आता है। उसके बाद में पत्तियां, जैसे जैसे हम पौधे के नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तैसे तैसे पौधे के इंटरनोड की लंबाई घटती जाती है, और शर्करा यानी सुक्रोज परसेंट भी घटता जाता है, क्योंकि निचले सिरे में सुक्रोज और जबकि ऊपरी भाग में ग्लूकोज पाया जाता है। जिन लोगों ने गन्ना खाया होगा उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि जो गन्ने का ऊपरी भाग होता है वो कम मीठा होता है, जिस तरीके से शक्कर अधिक मीठी होती है लेकिन ग्लूकोज कम मीठा होता है, इसीलिए कहा जाता है कि गन्ने का जो ऊपरी भाग होता है इसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है।
और उसके ऊपर सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है ये गन्ने का पुष्प क्रम है। क्या है गन्ने का पुष्प क्रम, जिसको इंग्लिश में इनफ्लोरसेंस कहेंगे, और ये इनफ्लोरसेंस एक विशेष नाम से जाना जाता है जिसको एरो कहते हैं। एरो आपसे पूछेगा कि गन्ने के पुष्प क्रम को कहते हैं तो एरो। अब एरो इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि अगर एरो हवा में झंडे की तरह उड़ रहा है तो इसको एरो, गन्ने का पुष्प क्रम क्या कहलाता है, एरो। तो ये हो गई गन्ने के पौधे की बात। अब हम गन्ने की बुआई के लिए चलते हैं। गन्ने की बुआई के लिए सर्वप्रथम हम जानेंगे कि किस प्रकार की मृदा में गन्ने की बुआई की जा सकती है या गन्ने को आसानी से उगाया जा सकता है। तो मुख्यतः गन्ने को सभी मिट्टियों में उगाया जा सकता है, लेकिन एक मोस्ट फेवर सॉइल होगी जिसमें इसे उगाया जा सकता है, जो सैंडी लोम यानी बलुई दोमट मृदा गन्ने के उत्पादन के लिए या गन्ने की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। बलुई दोमट मृदा क्लाइमेट यानी जलवायु। अब जलवायु की बात हम गन्ने की खेती करने से पहले करेंगे, बाद में जलवायु की बात या जलवायु सोचने से कि कैसी जलवायु चाहिए कोई फायदा नहीं। तो पहले बात करेंगे कि जलवायु कैसी चाहिए, तो इसके लिए ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल यानी उष्ण या उपोष्ण जलवायु गन्ने की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। उष्ण या उपोष्ण जलवायु गन्ने की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अब गन्ने की बुआई के लिए ये जो गन्ने का स्टॉक है, ये जो गन्ना है, इसको हम क्या करेंगे, गन्ने की बुआई करने के लिए इसको ऐसे लेंगे। जब इसकी काटने के बाद इसकी पत्तियां हटा देंगे, यहां से इसको तोड़ देंगे, तब ये कुछ इस तरीके का निकलेगा। देखना ध्यान से, कुछ इस तरीके का निकलेगा। अब ये इसको अगर हम निचला भाग मान लें और इसको ऊपर का भाग मान लें जहां पर छोटे छोटे इंटरनोड हैं, तो अब आप देखिए कि गन्ने की बुआई के लिए 2 से 3 आंख वाले 35 से 40 हजार टुकड़े जिनकी जरूरत होती है। कितने टुकड़े, 35 से 40 हजार टुकड़े की आवश्यकता होती है। अब अगर हम 2 से 3 आंख वाले टुकड़े ले लेंगे, तो अब इनकी बुआई के लिए हम टुकड़े 2 से 3 आंख वाले हमने ले लिए। अब प्रश्न पूछा जाता है कि गन्ने का कौन सा भाग बुआई के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो बुआई के लिए हमेशा गन्ने का ऊपरी भाग 1/3 ऊपरी भाग गन्ने की बुआई के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि पौधे मनुष्य सभी ऊर्जा मुख्यतः ग्लूकोज के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं, C6H12O6 यानी ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा लेते हैं। लेकिन ग्लूकोज गन्ने के पूरे पौधे में मुख्यतः ग्लूकोज ऊपरी 1/3 भाग में ही पाई जाती है। अब बुआई के में जब अंकुरण होगा तो उसके लिए आवश्यकता होती है ग्लूकोज की। तो अब अगर हम इसको भी बो दिए जिसमें पाई जा रही है शर्करा यानी C12H22O11 और इसमें पाया जा रहा है ग्लूकोज, तो एकदम अगर आपको सरल भाषा में बताया जाए कि एक जगह आपको दो लोग अगर हो, एक को चीनी चाय पत्ती और दूध दे दिया जाए और दूसरे को कप में सीधा चाय दे दिया जाए और कहा जाए कि आप लोग दोनों लोग पी के चाय बहुत जल्दी बाहर आओ, तो जिसको कप में बनी बनाई मिलेगी वो जल्दी बाहर निकलेगा पी के। तो इसी तरीके से ये जो शर्करा होती है, तो अगर हम नीचे वाला भाग बोएंगे तो ऐसा नहीं अंकुरित नहीं होगा, अंकुरित होगा,
लेकिन पहले ये ग्लूकोज में टूटेगा, फिर पौधे को ग्लूकोज जो बढ़ होगी उसको ग्लूकोज की उपलब्धता होगी, तब वहां से अंकुरण निकलेगा। और ये जो ऊपर वाला भाग है इसको ऑलरेडी ग्लूकोज मिल रहा है, ये बहुत जल्दी निकलेगा। इसीलिए गन्ने में अंकुरण 7 दिन से लेकर बुआई के 35 दिन तक हुआ करता है। इसीलिए गन्ने में अंकुरण में इतना ज्यादा अंतर देखने को मिलता है, बुआई के 7 दिन से लेकर बुआई के 35 दिन तक अंकुरण गन्ने में होता रहता है। अब बुआई की कुछ विधियां हैं गन्ने में, गन्ने की बुआई की अलग अलग विधियां हैं, जैसे कि फ्लैट विधि, फ्लैट मेथड। देखिए नाम से ही आ रहा है कि उथली विधि। इसमें गन्ने को ज्यादा गहराई में नहीं बोते हैं, साधारण जुताई करके गन्ने की बुआई की जा सकती है। लेकिन इस तरह की गन्ने की बुआई करने में, क्योंकि गन्ने की गहराई कम रहती है बीज की, गन्ने का जो स्टॉक होता है, अगर ये खेत मान लिया जाए तो इसमें जो स्टॉक आप बोएंगे, ये जो टुकड़े गन्ने के जो होते हैं, ये इनको आप बोएंगे 2 से 3 आंक वाले टुकड़े, तो ये बहुत कम मिट्टी के अंदर होते हैं, इतना हल्का सा मिट्टी के अंदर होते हैं। इसलिए जो इनसे पौधा निकलता है उनको गिरने की संभावना अधिक होती है। दूसरा मेथड है फरो मेथड। जैसा नाम से ही समझ आ रहा है, फरो माने होता है कूण। तो अब हम हल से, जो देसी हल कुछ इस आकार का होता है, इस तरीके का जो देसी हल होता है, तो ये कूण बनाता हुआ ऐसे कूण बनाता हुआ चला जाएगा। ये नाली जैसी बनती हुई चली जाती है देसी हल से, जो कि 10 से 15 सेंटीमीटर तक गहरी होती है। इसमें हम गन्ने के टुकड़े इस तरीके से रखते हुए चले जाते हैं। ये होता है फरो मेथड, जो उत्तर भारत में मुख्यतः उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं ट्रेंच मेथड की। ट्रेंच मेथड को इंग्लिश में ट्रेंच मेथड, जबकि हिंदी में खाई विधि कहते हैं। ट्रेंच मेथड यानी कि खाई विधि। खाई विधि जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें गहराई 20 से 25 सेंटीमीटर तक रखते हैं। गहराई 20 से 25 सेंटीमीटर तक रखते हैं। खाई विधि से बुआई का मुख्य मतलब केवल ये होता है कि हमको गन्ने में जो क्रिया हम जून जुलाई में करते हैं, अर्थिंग की क्रिया, वो हमको ना करनी पड़े। क्योंकि गन्ना, अगर ये खेत है, एक गन्ने का टुकड़ा यहां बोया गया, एक गन्ने का टुकड़ा यहां से बोया गया, तो आप लोग खुद कॉमन से लगा सकते हैं कि यहां से निकला हुआ पौधा और यहां से निकला हुआ पौधा, जब ये आगे चल के बड़े होंगे तो किसको गिरने की संभावना ज्यादा होगी? डेफिनेटली इसको, क्योंकि ये फ्लैट बीज से बोया गया है, इसकी गहराई कम है तो ये जल्दी गिरेगा। तो इसीलिए जहां पर तेज हवाओं की समस्या होती है, वहां पर तेज हवाओं और अधिक बारिश की समस्या होती है, वहां पर हम ट्रेंच या खाही विधि का उपयोग करते हैं बुआई के लिए। बुआई की एक और विधि है पिट मेथड। पिट माने होता है गड्ढा। यह विधि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा विकसित की गई। इस विधि के अनुसार एक 90 सेंटीमीटर व्यास का गड्ढा खोदा जाता है। उस गड्ढे में लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर गहराई पर इस तरीके से गन्ने के टुकड़े बोए जाते हैं। हो सकता है कई लोग जो वीडियो देख रहे हो उनके यहां ये विधि अपनाई गई हो, या उन्होंने इस विधि का उपयोग किया हो बुआई के लिए।
किस तरीके से गन्ना बोया जाता है। इस विधि का बोने का मुख्यतः जो लाभ है उनमें से एक ये है कि इसमें गन्ने को गिरने की संभावना एकदम खत्म हो जाती है। दूसरे जो सॉयल बोर्न डिजीज होती है यानी मृदा जनित बीमारियां, उनसे भी काफी हद तक हमको छुटकारा मिलता है। ये हो गए गन्ने की बुआई की विधियां। अब हम चर्चा करेंगे गन्ने की बुआई के बाद गन्ना अंकुरित होता है। ये खेत है, यहां पर गन्ने का ये टुकड़ा बो दिया गया। अभी तक हम बुआई पे चर्चा कर रहे थे, ये टुकड़ा बोया गया। अब सात दिन के बाद ऊपरी भाग, सात के बाद 8-9 दिन बाद शुरू हो जाता है अंकुरित होना। जो यहां आंक होती है, ये जो टुकड़ा अगर ये हुआ जल्दी बोल अंकुरित होगा, नीचे वाला हुआ तो लेट होगा। तो 7 से 30 से 35 दिन तक अंकुरण होता रहता है। तो जब 7 से ऊपर दिन आएंगे तो किसी भी दिन से अंकुरण शुरू हो सकता है। उसमें पहले इस तरीके से जो उसमें बड या आंख होती है उससे एक छोटा सा कल्ला निकलता है, इस तरीके से। उस ये कंडीशन होती है 7 से 35 दिन तक, बहुत अंतराल होता है डे आफ्टर सोइंग, यानी कि बुआई के 7 से 35 दिन तक अंकुरण होता रहता है गन्ने में, यानी जर्मिनेशन स्टेज। कौन सी स्टेज? जर्मिनेशन स्टेज। गन्ने की जर्मिनेशन स्टेज जर्मिनेशन स्टेज 7 से 35 डे आफ्टर सोइंग, यानी कि बुआई के 7 से 35 दिन तक जो अवस्था चलती है अंकुरण की अवस्था या जर्मिनेशन स्टेज कहते हैं। उसके बाद में अब देखिए, ये आपने गन्ना बोया, यहां पर इसका अंकुरण हुआ। अब आगे जब चलेंगे, ये अंकुरण हुआ, अंकुरण होने के बाद उसी टुकड़े से टिलरिंग स्टेज, यानी कि बुआई के 40 दिन बाद जो अवस्था शुरू होती है उसको टिलरिंग स्टेज कहते हैं। टिलरिंग स्टेज का मतलब होता है कि यहां से कल्ले निकलना शुरू होते हैं और उसके बाद शुरू होती है फॉर्मेटिव स्टेज। फॉर्मेटिव स्टेज जैसा नाम से ही लग रहा है, टिलरिंग स्टेज, टिलरिंग स्टेज 40 दिन, यानी बुआई के 40 दिन बाद फॉर्मेटिव स्टेज। फॉर्मेटिव स्टेज 60 से 120 दिन, यानी कि बुआई के 60 से 120 दिन तक फॉर्मेटिव फॉर्म, देखो फार्मर, यानी यहां पर कुछ बनने की क्रिया हो रही है। तो अभी तक एक कल्ला जो निकला था टिलरिंग स्टेज में, तो फॉर्मेटिव स्टेज में क्या होगा कि उस कल्ले से कुछ इस तरीके का बनेगा, यानी कि छोटा सा एक गन्ना बनेगा, एक छोटा सा गन्ना बनेगा, ठीक है, ये इस तरीके से छोटा सा गन्ना निकलेगा। करीब उसमें 2 नोड होंगे छोटे छोटे से। उसके बाद में जब अगली अवस्था आएगी, फॉर्मेटिव अवस्था स्टेज के बाद आती है ग्रैंड ग्रोथ स्टेज, यानी कि वो अवस्था जहां पर ग्रोथ यानी कि वृद्धि सबसे तेजी से होती है, वो होते 120 से, क्योंकि 120 तक चल रही थी फॉर्मेटिव स्टेज, 120 से आगे चलेगी ग्रैंड ग्रोथ स्टेज, जो 120 से 270 डे आफ्टर सोइंग, यानी कि बुआई के 120 से 270 दिन तक जो अवस्था चलती है उसको कहते हैं ग्रैंड ग्रोथ स्टेज। यानी कि गन्ने की इस अवस्था के बाद
जो ये अवस्था आती है अवस्था आती है और उसके बाद में गन्ने का पौधा गन्ने का पौधा इस अवस्था में पहुंच जाता है। तो यहां से लेकर यानी कि 120 दिन पर आई थी आपकी फॉर्मेटिव स्टेज, 60 से 120 दिन तक चली थी फॉर्मेटिव स्टेज। फॉर्मेटिव स्टेज के बाद जो गन्ना यहां तक जाएगा यानी कि उसके बाद बहुत तेजी से जो ग्रोथ होगी यानी 120 से 270 डे आफ्टर सोइंग, बुआई के 270 दिन तक जो अवस्था चलती है उसको कहते हैं फॉर्मेटिव ग्रेट ग्रैंड ग्रोथ स्टेज। इस अवस्था के बाद, इस अवस्था तक पौधे में जो वृद्धि होती है इसीलिए इसको फॉर्मेटिव स्टेज का ग्रेट ग्रैंड ग्रोथ स्टेज कहते हैं। उसके बाद इस अवस्था के बाद जो आती है उसको कहते हैं मैच्योरिटी स्टेज। गन्ने की परिपक्वता बढ़ने से गन्ने का वजन नहीं बढ़ता है, परिपक्वता और वजन में बहुत अंतर है। परिपक्वता के मतलब गन्ने में उपस्थित शर्करा की गुणवत्ता और शर्करा की मात्रा बढ़ती है, ना कि उसका वजन बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि गन्ने में ग्रैंड ग्रोथ स्टेज के बाद यानी कि एरो निकलने से तुरंत पहले तक गन्ने को काट लेना चाहिए, क्योंकि जब तक गन्ने का वजन बढ़ेगा तब तक किसान का फायदा का वजन तौल कर जाता है, ना कि उसकी ब्रिक्स रीडिंग या पोलैरोमीटर की रीडिंग देख कर जाता है। तो जहां तक 270 दिन तक तो गन्ने का वजन बढ़ा, उसके बाद में इसमें शर्करा की मात्रा बढ़ती जाती है और वजन नहीं बढ़ता है। तो किसान को फायदा केवल बुआई के 270 दिन तक जो गन्ने में वृद्धि होती है उसी में होता है। अब इस गन्ने की ग्रोथ फेज के बाद हम चर्चा करेंगे कि जब अगर हम गन्ने को फ्लैट विधि से बोएंगे तो गन्ने में गिरने की पॉसिबिलिटी यानी संभावना बहुत ज्यादा होती है। इस तरीके से पौधा कभी कभी गिर जाता है, कभी कभी पूरा गिर जाता है। तो गन्ने की इन दशाओं में उनको बचाने के लिए हम अर्थिंग की क्रिया करते हैं। अर्थिंग माने होता है मिट्टी चढ़ाना, यानी गन्ने की जड़ों में मिट्टी चढ़ाने की क्रिया को अर्थिंग कहते हैं। मिट्टी चढ़ानी है, यहां से मिट्टी उठाई, यहां पे चढ़ा दी, इसको अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग की क्रिया गन्ने के पौधों को बरसात में चलने वाली हवा से गिरने से बचाने के लिए अर्थिंग की क्रिया करते हैं। अर्थिंग क्रिया करने का उपयुक्त समय मई जून या कभी कभी जून जुलाई हो जाता है, जून जुलाई लिखा होता है, जून जुलाई। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि
कि बरसात से पहले हमको अर्थिंग की क्रिया करनी है, क्योंकि बरसात के पहले क्यों करनी है, क्योंकि गन्ने को हमको बरसात से बचाना है, बरसात में गिरने से बचाना है। तो बरसात से पहले ही तो करेंगे ना, ऐसा नहीं करना गिर गया उसको करेंगे तब नहीं, उसके अगर गन्ना गिर गया है तब क्रॉपिंग की क्रिया करेंगे। यानी गन्ने के पौधे जो गिर गए हैं उनको आपस में उठाकर बांध दिया जाता है जिससे वो फिर से खड़े हो जाते हैं, वो क्रिया जो होती है वो बरसात के टाइम या बरसात के बाद यानी जुलाई अगस्त या अगस्त सितंबर में करते हैं। अब गन्ने में खाद एवं उर्वरक की बात की है, गन्ने में फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर तो गन्ने में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटास डाला जाता है। लेकिन अगर रेटूनिंग करेंगे, रेटूनिंग मतलब ये होता है कि अगर गन्ना पेड़ी, गन्ना काटने के बाद ये जो गन्ना था इसको, ये पौधा जो गन्ने का था इसको हमने क्या किया, यहां से काट दिया, काट के बेच दिया, ये बचा नहीं, यहां से फिर से कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं, तो इसको रेटूनिंग कहते हैं। तो ये अगर रेटूनिंग कर रहे हैं तो काटने के बाद फिर खाद उर्वरक की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, यानी 225, 50 और 50, यानी कि नत्रजन की मात्रा राइटूनिंग की दशा में, यानी गन्ना पेड़ी की दशा में हम नत्रजन की, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं। इरिगेशन, इरिगेशन गन्ने में सिंचाई, पहली सिंचाई 10 से 11 डे आफ्टर सोइंग पर भी कर सकते हैं, 10 से 11 दिन बाद करते हैं। लेकिन गन्ने की ये जो सिंचाई है, ये सिंचाई गेहूं की 21 दिन में की जाने वाली सिंचाई की तरह बाध्य नहीं, ये मृदा में उपस्थित नमी एवं पानी की उपलब्धता के आधार पर हम सिंचाई करते हैं। गन्ने में सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता कब होती है, तो फॉर्मेटिव यानी ये गन्ना तेजी से बनता है या ग्रैंड ग्रोथ, ग्रैंड ग्रोथ स्टेज, इन दो अवस्थाओं में गन्ने में सिंचाई की बहुत ही आवश्यकता होती है। पूछा था गन्ने में फॉर्मेटिव स्टेज कब शुरू होती है, तभी हमने बताया था 60 से 120 दिन तक चलती है बुआई के, 60 से 120 दिन तक, और 120 दिन से लेकर 270 दिन तक जो अवस्था चलती है उसको ग्रैंड ग्रोथ स्टेज कहते हैं। तो गन्ने में सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता कब होती है, फॉर्मेटिव स्टेज और ग्रैंड ग्रोथ स्टेज में, और गन्ने की पूरी फसल में सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है 250 से 300 सेंटीमीटर या 2500 से 3000 एमएम तक पानी की आवश्यकता, यानी कि जितनी भी फसलें हैं उनमें सर्वाधिक पानी की आवश्यकता अगर किसी फसल को होती है तो वो गन्ने को, शुगर कैन, शुगर कैन यानी कि सर्वाधिक पानी की अगर किसी को आवश्यकता होती है तो वो गन्ने को होती है। याद रखना धान ऑप्शन में सही नहीं करना है, गन्ना सही करना है, अगर गन्ना नहीं है ऑप्शन में तब धान सही होगा।
गन्ने में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक छूट गया, टाइम ऑफ सोइंग यानी कि बुआई की विधि या सॉरी बुआई का समय, मेथड ऑफ सोइंग बुआई की विधि हो चुकी है, बुआई का समय। अब हम बुआई के समय पर जब चर्चा करेंगे तो गन्ने की बुआई तीन समय में होती है, एक तो रबी जिसको कभी कभी ऑटम भी कह देते हैं, रबी। अब आपको सोचना है रबी मोस्टली रबी सब यूज करते हैं गेहूं के लिए, गेहूं की बुआई कब करते हैं अक्टूबर नवंबर में, तो जो रबी सीजन शुरू होगा वो कब शुरू होगा अक्टूबर में, तो ये अक्टूबर में इसकी बुआई करेंगे, ठीक है रबी गन्ने की। और ये गन्ना मुख्यतः कहां बोया जाता है, नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत में रबी गन्ने की बुआई अधिक होती है, उत्तर भारत में भी विशेषकर पंजाब में रबी गन्ने की बुआई सर्वाधिक की जाती है। रबी के बाद हम बात करेंगे स्प्रिंग मतलब बसंत। अब आपको सोचना है बसंत ऋतु कब आती है, बसंत ऋतु आती है फरवरी मार्च में आती है बसंत ऋतु। ये बुआई भी उत्तर प्रदेश समेत नॉर्थ इंडिया के मुख्यतः राज्यों में की जाती है, स्प्रिंग का मतलब क्या समझते हैं आप, स्प्रिंग इस तरीके से होती है, ठीक है इसको आप ऐसे दबाइए बहुत छोटी हो जाएगी, छोड़ दीजिए बड़ी हो जाएगी, तो उसी तरीके उस समय मौसम होता है। पता चला कि आप दोपहर में एकदम आपको गर्मी लग रही है, एकदम टी शर्ट पहन के आप घूम रहे हैं, उसके बाद शाम आते आते आपको हल्की सर्दी लगी, आप स्वेटर पहने, रात में उसके बाद रजाई भी ओढ़े, तो मतलब कोई मौसम में तापमान में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, अंतर होता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में, तो इसीलिए इसको स्प्रिंग कहते हैं, जहां दोपहर में आपको पंखा चलाना पड़ता है और रात में रजाई ओढ़नी पड़ती है, इस तरीके की जो सर्दी और गर्मी का वो कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए इसको स्प्रिंग बसंत सीजन को स्प्रिंग कहते हैं, फरवरी मार्च में होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत के अन्य राज्यों में बुआई की जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बुआई का समय जो सर्वाधिक पूछा जाता है वो है अगसाली गन्ना, अगसाली गन्ना। अब देखो नाम से अगसाली लग रहा है, नाम से ऐसा लग रहा है कि 6 महीने में ही कटाई होगी हो जाएगा, लेकिन पूछा जाता है अगसाली गन्ने की बुआई कब होती है, तो जून जुलाई। अब अगसाली गन्ना मुख्यतः कहां उगाया जाता है, साउथ इंडिया में भी मुख्यतः कहां उगाया जाता है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अब अगसाली गन्ने से प्रश्न आता है कि अगसाली गन्ने की कटाई कब करते हैं, तो बुआई के 18 महीने बाद। अब देखो नाम अगसाली है लेकिन कटाई कब कर रहे हैं, बुआई के 18 महीने बाद, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगसाली गन्ने की कटाई करते हैं बुआई के 18 महीने बाद और बुआई का समय क्या है, जून जुलाई। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, यहीं से गन्ने में जो क्वेश्चन उठने की संभावना होती है बुआई के समय या बुआई की विधि, ये जो कुछ टॉपिक है उनमें सबसे ज्यादा संभावना होती है टाइम ऑफ सोइंग में, अगसाली गन्ने की बुआई का समय जून जुलाई और कटाई कब होती है 18। अब हम चर्चा करेंगे कि गन्ने में एक मुख्य बीमारी लगती है लाल सड़न। आप सभी लोग गन्ने की लाल सड़न बीमारी को बहुत अच्छी तरीके से देखे होंगे,
अगर आप देख गन्ना आपके यहाँ होता है तो आप जरूर देखे होंगे, और अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो अभी याद आ जाएगा जब हम बताएंगे गन्ने की कौन सी बीमारी, लाल सड़न। गन्ने का लाल सड़न रोग, लाल सड़न रोग, लाल सड़न यानी कि रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। रेड माने लाल, रॉट माने सड़ना या सड़न, शुगर कैन माने गन्ना यानी गन्ने का लाल सड़न। ठीक है, गन्ने का लाल सड़न बीमारी जो होती है उससे ग्रसित गन्ना उसमें कभी कभी इस तरीके की लाल रंग की धारियां बन जाती है, और कभी कभी इंटरनोड भी लाल दिखाई, नोड और इंटरनोड दोनों लाल दिखाई लगते हैं, न मुख्यतः पंक्ति लाल लाइन जैसी अंदर बन जाती है। इससे गन्ने में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव यानी कि गन्ने में जो जूस की मात्रा होती है वो भी कम हो जाती है, और उसकी गुणवत्ता भी और टेस्ट भी खराब हो जाता है। गन्ने की सबसे पहले तो इंटर लेवल में जो क्वेश्चन यूपी कैटेट वगैरह में जो पूछ सकता है वो ये पूछेगा कि लाल सड़न बीमारी किससे संबंधित है, तो संबंधित है गन्ने से। अब अगर सेमेस्टर एग्जाम की बात करें, सेमेस्टर एग्जाम या एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की, तो उसमें पूछेगा कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ रेड रॉट। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका होता है कोलेटोट्राइकम हेलगेटम। याद रखना है कोलेटोट्राइकम हेलगेटम जो होता है वो गन्ने में लाल सड़न नामक बीमारी का कारक होता है। अब गन्ने में लाल सड़न बीमारी से बचाने के लिए हम उपचारित करके गन्ने को बोते हैं सीड ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं। सीड ट्रीटमेंट का मतलब है जो गन्ने के सेट्स होते हैं, ये टुकड़े 2 से 3 आंख वाले जो 35 से 40 हजार टुकड़े यानी कि 70 से 80 क्विंटल जो हम बीज दर उपयोग करते हैं गन्ने की बुआई में, उसको जो है 3% एग्लॉल या 2% एरेटॉन से उपचारित करके यानी कि टुकड़े काटने के बाद उनको एग्लॉल या एरेटॉन के घोल में डुबोकर और हल्की धूप में जब वो हल्का हल्का सूखने लगे उसके ऊपर तक जम जाए तब बुआई करें, जिससे काफी हद तक रेड रॉट ऑफ शुगर कैन यानी गन्ने की लाल सड़न नामक बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। गन्ने में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि गन्ने में पंक्ति से पंक्ति की बीज की दूरी क्या रखनी चाहिए। गन्ने में पंक्ति से पंक्ति की बीज की दूरी 75 से 90 सेंटीमीटर तक रखी जाती है, मतलब कि ये गन्ने के सेट्स हैं, अब ये जो दूरी है एक पंक्ति ये होगी गन्ने की, ये एक ये होगी, इन दो पंक्तियों के बीच की जो दूरी है इसे कहते हैं पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी जो 75 से 90 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। अगर हम इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, इंटरक्रॉपिंग मतलब अंतर सस्यन यानी कि अगर हम जो
हम सोच रहे हैं कि जब तक, क्योंकि गन्ने का अंकुरण तो 35 दिनों तक होता है, तो यहाँ पर मस्टर्ड यानी राई बो दिए या आलू लगा दिए, आलू लगा दिए, तो इसका अंतरण 90 सेंटीमीटर रखना अनिवार्य हो जाता है। और अगर हम पेवर शुद्ध गन्ने, केवल गन्ने की फसल कर रहे हैं, तो उसमें 75 सेंटीमीटर भी गन्ने में पंख से पंख के बीच की दूरी रखी जा सकती है। अगर हम इसमें आलू आलू या सरसों की खेती कर रहे हैं इंटरक्रॉपिंग में, तो इस खेती करने से ये लाभ होता है कि जो नव अंकुरित गन्ने के गल्ले होते हैं उनको पाले से आसानी से बचाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे गन्ने का वर्गीकरण। गन्ने का वर्गीकरण यानी कि गन्ने को किन आधार पर विभाजित किया गया है। एक तो नोबलाइजेशन आप कहें जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 80 होती है, उसका बॉटनिकल नेम होता है सैकेरम ऑफी सिनेरम सिनेरम। ये नोबल कैन होता है जिसकी जिसका स्टॉक मोटा और पत्तियां सामान्य और शर्करा की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद आता है सैकेरम बारबेरी, सैकेरम सैकेरम बारबेरी। सैकेरम बारबेरी का पौधा इस पौधे की तुलना में सैकेरम बारबेरी का पौधा कुछ किस तरीके का होता है। अब इसमें जूस की मात्रा यानी कि सुक्रोज, जब जूस से ही सुक्रोज बना है तो जूस की मात्रा यानी सुक्रोज की मात्रा सैकेरम ऑफिसिनेरम की तुलना में कम होती है। इस पौधे की लंबाई सैकेरम ऑफिसिनेरम की तुलना में कम होती है, मोटाई सैकेरम ऑफिसिनेरम की तुलना में सैकेरम बारबेरी की कम होती है। उसके बाद सैकेरम साइनेंसिस, सैकेरम साइनेंसिस जो है ये पौधा भी कुछ उसी तरीके से होता है जिस तरीके से सैकेरम बारबेरी होता है। इसमें भी जूस की मात्रा बहुत कम और ये बहुत कठोर होता है। जिस तरीके से सैकेरम ऑफिसिनेरम को हम दांत से छीलकर खा सकते हैं, उस तरीके से सैकेरम बारबेरी और साइनेंसिस को खाने में बहुत कठिनाई होती है। कह सकते हैं कि सैकेरम साइनेंसिस को नहीं खा सकते। सैकेरम साइनेंसिस की पत्तियां सैकेरम बारबेरी और सैकेरम ऑफिसिनेरम की तुलना में चौड़ी होती है। और जूस की मात्रा कम होती है, लेकिन इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 80 जिनकी बात होती है वो सैकेरम ऑफिसिनेरम है। अब ये जो हमने बताया था उत्पत्ति स्थान न्यू गिनी, तो न्यू गिनी उत्पत्ति स्थान सैकेरम ऑफिसिनेरम का है, बाकी इनका उत्पत्ति स्थान भारत है। सैकेरम बारबेरी और सैकेरम स्पॉन्टेनियम का भारत में भी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया।
अच्छे ढंग से की जाने वाली खेती की उपज अच्छे ढंग से की जाने वाली खेती की उपज अगर हम बीज उपचारित करके बो रहे हैं तो 1000 टन तक की हो सकती है। सर्वाधिक उपज उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब देखिए हम चर्चा करेंगे सर्वाधिक उपज, उपज सर्वाधिक उपज गन्ने की सर्वाधिक उपज यानी कि सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है, तो गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन अगर विश्व में बात करें तो ब्राजील, विश्व में ब्राजील, जबकि भारत में उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब उत्पादकता, तो गन्ने की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य भारत का केरल है। अब आपसे पूछ सकता है कि गन्ने में जो शुगर या वो शक्कर बनाई जाती है उसकी सर्वाधिक फैक्ट्री कहाँ है, तो भारत में सभी राज्यों के बीच महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शुगर की फैक्ट्री है। सुक्रोज कंटेंट इन शुगर कैन तो 14 से 17% तक हो सकता है, 14 से 17% तक सुक्रोज कंटेंट हो सकता है, मोस्टली कम होता है लेकिन 17% तक भी हो सकता है। गन्ने की कुछ उन्नत किस्में जिनमें अभी एक रिसेंट में निकली है COLK, अब CO अभी तक CO पढ़ रहे होंगे आप, लेकिन COLK कहां से आ गया, COLK मतलब कोयम्बटूर और लखनऊ के कोलेबोरेशन से, इनके मिलने से दोनों के ज्वाइंट रिसर्च वैरायटी बनी 9709 COLK वैरायटी, ये भी नई एकदम नई किस्म है और एक तरह वंडर ऑफ सुगर कैन। किस किस्म को वंडर ऑफ सुगर कैन कहा जाता है, तो 0CO 0238 इस वैरायटी को वंडर ऑफ सुगर कैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे गन्ने की प्रथम संकर किस्म, तो गन्ने की प्रथम संकर किस्म CO 205, CO 205। अब CO से नाम से जा रहा है कोयम्बटूर मतलब तमिलनाडु, तो ये कहां से विकसित हुई थी, सुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु से विकसित हुई थी। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु से 1918 में विकसित हुई थी, यानी कि SBI जो था, SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो है इसकी स्थापना 1912 में हुई थी और उसके 6 साल बाद वैरायटी थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है अगर एग्रोनॉमी से आप MSc का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं JR वगैरह का, तो उसमें पूछ लेता है कि AICRP मतलब ऑल इंडिया रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सुगर कैन वाज स्टार्ट 1970-71 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था।
अब चर्चा करेंगे इंस्टीट्यूट की। इंस्टीट्यूट की चर्चा करेंगे तो इंस्टीट्यूट जो गन्ने से संबंधित है, एक तो हो गया SBI। SBI मतलब सुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। दूसरा हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुगर कैन रिसर्च। ये कहाँ है? लखनऊ। SBI कहाँ है? कोयंबटूर तमिलनाडु। एक संस्थान कानपुर में है NSI, भारतीय नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, SBI कोयंबटूर तमिलनाडु में, यानी ब्रीडिंग का काम। जब ब्रीड वैरायटी जितनी भी विकसित होती हैं, ये गन्ने की ब्रीडिंग यानी प्रजनन द्वारा इसी तरीके से उसका प्रवर्धन करके बनाई जाती है, तो उसमें जितनी भी वैरायटी आती है सब में CO लगा होता है। और वैरायटी विकसित किससे होती है? अगर साधारण भाषा में समझो तो वैरायटी ब्रीडिंग से विकसित होती है। और वैरायटी सभी वैरायटियों में क्या लगा होता है? ये अभी हमने वैरायटी बताई CO 205 पर स्टैंडर्ड ऑफ शुगर कैन, तो वैरायटी सब में लगा होता है CO। तो अब CO लगा यानी कोयंबटूर, तो अब वैरायटी विकसित कैसे होंगी? ब्रीडिंग से। यानी कि शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? कोयंबटूर तमिलनाडु। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ। याद रखना, इसमें कंफ्यूजन ना हो SBI में और ये भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। NSI, इससे ये कोई मतलब नहीं है कि ब्रीडिंग प्रोडक्शन गन्ने का, उससे कोई मतलब नहीं। भारतीय सकरा संस्था, शुगर कैन नहीं, सकरा, भारतीय सकरा संस्थान जो है ये कानपुर में। ये हो गए गन्ने के बारे में एक छोटी सी क्लास। धन्यवाद।